हेलो गाइस, आप सबों का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे। ढक्कन नहीं बेटा, डब्बा डब्बा डब्बा। देखिए गाइस, बोलो गाइस, देखिए डब्बा। एंजल का ब्लॉगिंग। और बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबों का? बोलो आप सबों का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया कि एंजल को फुल कपड़ा पहनना ही नहीं है, उसको ऐसे ही बोलती है। अब तो चूजी हो गई है, मतलब गर्मी लगता है ना तो ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे ना। अच्छा एक पोएम सुना दो ना। बोलो, लेट्स स्टार्ट। ट्विंकल 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 लिटिल स्टार। फिर लाइक ए डायमंड क्लैपिंग। थैंक यू, लव यू मम्मा। देख रहे देख रहे देख रहे प्यार देख रहे प्यार। अब पापा कहाँ? पापा पापा पढ़ू पढ़ू कर रहे हैं। पापा पढ़ू पढ़ू करा रहा है। हाँ। अरे एंजल क्या कर रही है? एंजल and then, एंजल क्या कर रही है? and then, वो, बुबु हो गया। अच्छा बुबु हो गया एंजल को? बुबु हो गया एंजल को? बुबु हो गया। एंजल क्या कर रही है जानते हैं? आप लोगों को दिखाते हैं। तुम क्या कर रही है? अब क्या कर रहे हैं? डब्बा खेल रही। देख रहे ये सारा मेरा किचन का डब्बा को लेके आई है और वो खेल रही है। गलती से अगर खुल गया ना मेरा सारा सा। पिंक कलर पिंक कलर वेयर आर यू? बोलो बोलो। वाह, वो उसका बाजा बन गया है। देखिए बाजा बन गया है। वाओ, गिव मी गिव मी। थैंक यू, से वेलकम वेलकम। थैंक यू थैंक यू। लीजिए लीजिए लीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। अब पूरा कलर कर रही थी, क्या कर रही थी, पूरा बेड को एकदम अपना बुक कॉपी कलर से पूरा छीट छाट के रखी है। फ्रेंड देखिए एंजल क्या बना दी। क्या बनाई? तुम बनाई? बना के दिखाओ फिर से। हाँ, वन 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 वन। वाह, रेड वाला रखो एंजल, रेड वाला, रेड 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 रेड। हाँ अच्छा से रखो, अच्छा से रखो। एक गिर गया। अच्छा से रखो, अच्छा से। हाँ ये नीचे गिर गया। फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो पौधा है ना, ये हर बार ना काट देते थे और मतलब ऐसे झाड़ ना हो बोल करके, तो इस बार ना नहीं काटा गया तो इतना बढ़ गया कि फाइनली इसमें कली आ गए हैं। और ये शायद कल तक या रात तक खिल जाएगा। इसका फूल खिला हुआ बहुत सुंदर दिखता है। अब बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि इसमें पूरा भर भर के कली आया है। तो ये सब में भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अरी वाला में फूल परसों दिन पूरा भर भर के खिला था, अभी कली देखिए कली है तो कल परसों हमको लगता है इसमें भी खिलेगा। और मौसम जो है ना, मौसम पूरा ये कर दिया, बादल हो गया है मौसम। पता नहीं आज बारिश करेगा कि क्या।
मौसम आज जो है ना पूरा बादल बादल कर दिया है और पूरा काला काला बादल आ रहा है, तो हो सकता है बारिश आए। बारिश आएगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। रेन रेन पकड़ेगी गाइस। देखिए बोला बोलो बोलो गाइस, देखिए हम पकड़े हैं। बोलो हम पकड़े हैं। अरे एंजल आई है उसको मम्मी को धमकाने के लिए। क्या धमका रही बेटा? हाँ क्या धमका रही है? क्या है? अरे इधर खाना निकाल दे रही है, बहुत ज़ोर से भूख लगा, काफ़ी देर हो चुका है ना, खाना वाना खाया नहीं। सुबह में खाया हुआ था, उसके बाद सीधा अब दोपहर पढ़ाने वढ़ाने के बाद में शाम हो गया। तो ऐसे ही चलते रहता है जिंदगी, ऐसे ही है। और क्या कर रही है इधर एंजल? क्या मिल गया? क्या है ये? बॉर्डर गार्ड, बॉर्डर गार्ड लौकी है तो नहीं, वो बिटर गार्ड है। अच्छा, ये बॉटल गार्ड है तो सिर में डोई है। रखो मम्मा, रखो रखो रखो, सब्जी बनाएंगे हम लोग, खाएंगे उसको फिर। हाँ अभी रखो उसको, मैंगो खाएगी। तो हल्का फुल्का जो भी खाना बनाया है उसी को खाया जाए। अभी ऐसी ही गर्मी, दाल भात और भिंडी का भुंजिया, आम खीरा, यही सब अच्छा लगता है। चलो बेटा खाएंगे, चलो देखो मैंगो। आओ लेट हो गया, चलो मैंगो खाओ, मस्त में रहो क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। हाँ बेटा रख दो, रखो रखो यहाँ रखो, कीप इट हियर, अच्छे से रख दो, कल सब्जी अच्छे से रख दो बेटा। हाँ 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 वेरी गुड, रख दो, या वेरी गुड, रख दी है, बहुत काम करती है। कम यच को हम लोग खाइए, है ना ना बेटा, काम करने वाली है ना तुम। अच्छा चलो ठीक है, मैंगो खाएगा अब बेटा भी, मैंगो खाएगा। चलो कम तुमको प्लेट में देंगे, बड़ा खुश है आम खाने के लिए। अब खाना तो खाना नहीं है ना, खाना पीना सब बंद। ऐसे करके काट के और उसको दे देंगे ना, वो अपने चम्मच से खा लेती है। हाँ ऐसे करके अब पीस पीस करके निकाल देंगे। आप तो एकदम पूरा मस्त वाला सिस्टम निकाल रहे हैं। निकालेंगे हम चम्मच से, उसको ही चम्मच छोटा वाला चम्मच से निकालिए, ये धार वाला से निकालिए, बढ़िया से इधर से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे ना, अच्छा से निकलेगा। चक्कू से निकालते हैं तो बड़ा मस्त निकल जाता है। मैं और खाइए, वाह क्या मिल गया बेटा, क्या बोलते हैं मम्मी दी है उसको, क्या बोलेंगे अभी? थैंक यू बोलो, से थैंक यू मम्मी को। खाओ, ईट, खाओ खाओ खाओ, नाइस, मस्त, मज़ा आ गया, नौटंकी लड़की। सो गाइस, रांची का मौसम चेंज हो रहा है और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल में बारिश होगी, ऐसा हम लोगों को उम्मीद हो रही है, लेकिन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मौसम को देखते हुए मैं ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार रांची में। रांची में ऐसा गर्मी जो मौसम है ना वो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सालों से इस गर्मी का एहसास हो रहा है। इस साल तो अब लग रहा है कि हर जगह बराबर हो गया, ज़्यादा ही गर्मी का एहसास हो गया है, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी का फील हो रहा है। तो लग नहीं रहा है कि मतलब रांची पहले जैसा वाला मौसम नहीं, अभी यहाँ पर भी वैसी गर्मी और बाकी जगहों में भी वैसी गर्मी है। तो लगभग आप लोग की तरफ में कैसा गर्मी है ये बताइएगा। एंजल के पापा को दे दिए हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो चम्मच से खाइए। वहाँ एंजल को किचन में मच्छर काट रहा था तो बोले मम्मी एंजल को मच्छर काट रहा है, उठ ही नहीं रहा है चम्मच में। और आम आम मीठा है ना, खा के नहीं देखे अभी नहीं। हम तो खाए थे तो हमको मीठा लगा, मीठा है ना, ये घर वाला ऐसा ऐसा वाला आम का टेस्ट घर घर में ना, ये वाला देखते हैं हम लोग कब तक जाते हैं, जाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत मुश्किल तो ही तो है। बस में भी जाने के लिए ना थोड़ा सा, अरे स्कूटी से उतना दूर जाने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत हवा लगेगा ना तो पहुंच जाएंगे, फिर भी गर्म लगेगा।
नहीं, भोर का 5 बजे निकल जाना। 9 बजे तक बहुत ज्यादा धूप हो जाता है। 9 बजे तक धूप देखे हैं, 8 बजे का धूप हालत खराब हो जाता है। 9 बजे तो हाँ एंजल और मैगो खाएगी, तो पापा लेके आएगा आज। हाँ आज फिनिश हो गया, ठीक। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि अभी छोटी ना है, तो गर्म चीज़ें हम तो ज़्यादा देना भी दिक्कत करेगा। लो इधर आओ। तो अभी थोड़ा थोड़ा ही दे रहे हैं, फिर लो पापा खिला देगा। हजम होगा तो फिर ज़्यादा दे। पापा खिला देगा, पापा खिला देगा। कटोरा में चाहिए उसको, दिखाओ कटोरा तेरा। कैसी मैंगो खाना है ना, पापा खिला दे। एंजल खा रही है गुठली, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम एंजल गुठली खा रही है, आम का गुठली। बस चलो अब फेंक दो, फेंक दो। ओके नहीं फेंके, खा रहे है, ठीक है खाओ। पापा है, पापा पूरा परफ्यूम मार रहा है। तो यहाँ पापा का अच्छे से पेट भर के खाना पीना हो गया, और उसके बाद परफ्यूम लगाया ना। अरे एंजल कैसे लगाती परफ्यूम? पापा परफ्यूम लगा दो। तभी एंजल के पापा का ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया है, तो वो जा रहे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एंजल छटपटा रही है परफ्यूम लगाने के लिए। पापा स्पेस कर देंगे आज, यहाँ लगा देंगे हाथ में। अच्छा कपड़ा में थोड़ा सा लगा देंगे। हमको पता नहीं आजकल एकदम अच्छा नहीं लगता, परफ्यूम का गंध पूरा अंदर घुस जाता है, हमको बक्की लगने लगता है। ये लोग ना मेरा नाक के सामने में ही देखो, देखिए 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 लोग, देखिए अभी से परफ्यूम लगाने सीखिए, बताइए। देखिए देखिए देख रहे हैं, हो गया परफ्यूम लगा दिया। सुनते रहो। सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और हम सब थोड़ा सा तैयार हुए हैं। इधर एंजल भी रेडी हो गई है और एंजल इधर पर्स से पैसा निकाल रही है, सो कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा मिल गया है इसको, उसका अपना माल पानी मिल गया इधर। तो हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा शाम को कुछ सामान लेना है, तो हम लोग सभी कोई मार्केट तरफ जाकर खाते हैं। और मौसम भी चेंज हो रहा है, बारिश होने के चांसेस थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, तो हो सकती है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे और फैमिली भी रेडी हो चुकी है। रेडी चलें। सो हम अभी निकलते हैं मार्केट की ओर, और एंजल भी रेडी हो गई है, रेडी हो गया, तो चलें। ओके चलो। तो फ्रेंड्स यहाँ रातू रोड में आकर के जाम में फंस गए हैं, यहाँ कभी खाली नहीं रहता, हमेशा जाम जाम जाम। और ये जो पिलर बन रहा है ना, इसके चलते रोड और छोटा हो गया है, फिर पूरा लंबा जाम लग गया। पता नहीं जहाँ जा रहे हैं वहाँ कितना देर में पहुँचे। गाइस ये है राजभवन, और यहाँ पर देखिए पूरा डेंटिंग पेंटिंग हो गया, ये पूरा बन गया है, नया हो गया है। और अभी यहाँ पर मुख्य राष्ट्रपति आने वाले हैं ना, तो वो उसका पूरा तैयारी चल रहा है। सो गाइस हम लोग वापस लौट गए, और जिस काम से हम लोग गए थे वो हो गया, और रोड इतना ज़्यादा जाम था ना कि बहुत मुश्किल था गाड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा जाम था। और ये अभी एक्चुअली में क्या है कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होने के कारण से ना रोड छोटा हो चुकी है, और इस कारण से गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत सा महसूस होता है, जाम में फंसे रहेंगे, कई घंटे आपको लगेंगे छोटे से डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो इस कारण से हम लोगों ने रूट चेंज किया, और ऐसे करते करते हमें घूमते फिरते हम लोगों के घर लौटते लौटते रात के 9 बज गए। तो फाइनली गाइस आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ज़रूर हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए, और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और फिर लेकर के आएंगे कुछ नए चीज़ों के साथ में। और अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।